और जनता पार्टी किसान मोर्चा के लोगों ने आज सुमित्रा महाजन के पलासिया स्थित निवास पर पहुंचकर ताई से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। दरअसल पद्मभूषण सम्मान पाने के बाद पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर के पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ताई के घर कई समाजसेवी संगठन नेता व अन्य लोगों का जमघट लग रहा था, जहां ताई का सम्मान लगातार सभी लोग कर रहे थे। इसी कड़ी में आज यानी कि गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम नारायण पटेल ने नेतृत्व में किसान मोर्चा के लोगों को सुमित्रा महाजन से मुलाकात की और पुष्प गुच्छ लेकर ताई का सम्मान किया और उनसे मार्गदर्शन भी लिया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से 84 के दंगे हुए, भैया अभी एक सवाल पूछना चाहूंगा, अभी बिजली का निजीकरण हो रहा है और निजीकरण हो जाएगा तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किसानों को होंगे, आपकी तरफ से क्या इसका विरोध कर रहे हो निजीकरण का? नहीं, अभी कि नहीं, अभी निजीकरण की कोई बात नहीं आई है, केवल पेपरों में और बाकी जगह है। अभी निजीकरण की समस्या के बारे में हमारे पास में हमारी जानकारी में कहीं विचार नहीं हो रहा है। मतलब दो महीने से जो बिजली वाले पांच साल पहले से भी यही चर्चा हो रही थी, केवल अफवाहों के आधार पर, जैसे सीए के बारे में अफवाह चली कि और लोग आगे चक्कर में, ऐसे बिजली कर्मचारी वगैरह भी जो भी है, कोई सरकार अभी निजीकरण नहीं कर रही है। और हमारे निजीकरण का समर्थन करोगे कि अगर किसानों के हित में कोई बात होगी तो हम उसके बारे में विचार करके करेंगे और नहीं होगी तो उसका विरोध करेंगे। नाम प्रेम नारायण पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।